स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित से अपना पढ़ाई करते होंगे। देखिए, दूसरे जो चैप्टर जो चल रहा था, जो चैप्टर आपका, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। आज जो आपका है न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस, इसको आप को हम दूसरे नाम से बोलते हैं, वेक्टर कैलकुलस भी बोलते हैं। वेक्टर कैलकुलस, देखिए ये बीएससी का सिलेबस है, बीएससी के सिलेबस में है, लेकिन ये किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट वन में भी पूछा जाता है, किसी में पार्ट टू में पूछा जाता है, और किसी में पार्ट थर्ड में पूछा जाता है। तो जो पार्ट टू में है वो पार्ट टू के लिए पढ़ लीजिए, जो पार्ट वन में है वो पार्ट वन के लिए पढ़ लीजिए, और जिस यूनिवर्सिटी में पार्ट थर्ड में पूछा जाता है वो अपने यूनिवर्सिटी के आधार पे इसको पढ़ लीजिए। जैसे देखिए दोस्त, इसमें ये जो वेक्टर है, इसमें जो मेन मेन टॉपिक है, चैप्टर जो है आपका, इसमें चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रोडक्ट ऑफ थ्री एंड फोर वेक्टर्स। दूसरा है डिफरेंशिएशन सेशन ऑफ द वेक्टर, और तीसरा आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंट डाइवर्जेंस, और तीसरा आपका कर्ल। देखिए दोस्त, आपका जो चैप्टर पढ़ना है यही तीन चैप्टर पढ़ना है वेक्टर में, और जो है जो भी आप अगर बुक लिया होंगे तो बुक में जितना भी चैप्टर दिया है, ये तीन चैप्टर छोड़ के रेस्ट चैप्टर जितना भी बच जाता है आपका, ये सब चैप्टर पार्ट थर्ड में पढ़ा जाता है। तो देखिए दोस्त, इसमें जो है इससे एक क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री एंड फोर वेक्टर से, और डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर से एक क्वेश्चन आएगा, और आपका जो डाइवर्जेंट कर्ल और डाइवर्जेंट ग्रेडियंट डाइवर्जेंट और कर्ल कर्ल जो है इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो थ्री क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। लेकिन इस थ्री क्वेश्चन को बताने के लिए दोस्त आपको कुछ बेसिक बात बताएंगे जो आप पढ़ चुके हैं, 11th में भी आप वेक्टर पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिर मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं, लेकिन उसी के आधार पे कुछ बेसिक बात जो है आप जान लीजिए, जिनके कारण आगे अगर कुछ भी लिखेंगे कैसे होता है, ये परिभाषा क्या है वो आप समझ जाइएगा। तो देखिए दोस्त, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, आपका जो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये दो भाग में होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मतलब राशि, और फिजिकल मतलब भौतिक, भौतिक राशि दो प्रकार का, स्केलर मतलब होता है अदिश और क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी मतलब राशि, अदिश राशि और ये हुआ सदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलेंगे और सदिश राशि किसको बोलेंगे। अब देखिए दोस्त, अदिश जो होता है स्केलर स्केलर क्वांटिटी
स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलेंगे जिसमें सिर्फ ओनली फोर मैग्नीट्यूड हो। इसमें जो वैसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। कहता है दोज क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली फोर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जैसे एग्जांपल में आपके पास पेन होगा, पेन हुआ, मोबाइल हुआ, ईटीसी। देखिए दोस्त, आपके पास कुछ भी सामान है, सामान में सिर्फ मैग्नीट्यूड है आपके पास। अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ हो तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है। जैसे पेन है, मोबाइल है, क्लोथ है, 5 मीटर है, 5 kg है, ईटीसी, कुछ भी है, ये सब आपका मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाएगा 5 kg, तो 5 kg से आपका क्या क्लियर होता है? मान लीजिए आप कुछ सामान लीजिएगा तो वो मैग्नीट्यूड ही हुआ। अगर बोलेगा कि 5 kg मीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब कुछ अगर डायरेक्शन उसके साथ देता है तो वो आपका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी में ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए दोस्त, वेक्टर क्वांटिटी क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी कहता है दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and magnitude as well as direction। हाँ, हम सब जो अभी तक पढ़े थे वेक्टर फिजिक्स में आपका यहाँ तक ही डिफिनेशन होता था, लेकिन ये डिफिनेशन जो है फिजिक्स का डिफिनेशन है, आपका मैथमेटिक्स में डिफिनेशन होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए दोस्त, अगर आपको क्या है, पहले फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि आया, उसका दो भाग हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी फिक्स रहेगा। तो आप इसके परिभाषा में लिख सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज फिक्स डायरेक्शन, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, एंड फॉलो ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल लें वेक्टर क्वांटिटी का, तो इसका एग्जांपल जैसे एक्सेलरेशन पढ़े होंगे आप, वेलोसिटी पढ़े होंगे,
वेलोसिटी पर है, 5 किलोमीटर अगर बोल दिया जाए कि ईस्ट जाना है आपको, इसमें भी फिक्स डायरेक्शन है। 5 मीटर वेस्ट जाना है, इसमें भी फिक्स डायरेक्शन है। जो दोस्त जिसमें फिक्स डायरेक्शन हो जाए वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, जिसमें डायरेक्शन का कोई चर्चा ना हो वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 5 किलो पर 2 किलो, ये तो केजी में है। 5 मीटर 2 मीटर, ये तो आपका मीटर में है। तो ये सब जो है दोस्त मैग्नीट्यूड हुआ। और जैसे आप आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, जैसे एक्सलरेशन पढ़े होंगे कि किसी भी डायरेक्शन में ही जाएगा तभी एक्सलरेशन होगा, तो वो भी वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में जाएगा तब तो उसका वेग वेग होगा, वेलोसिटी होगा। 5 केजी ईस्ट पे, 5 केजी पूरब की तरफ, 5 केजी वेस्ट, 5 केजी पश्चिम की तरफ, इसमें जो डायरेक्शन फिक्स फिक्स हो गया, इसी को बोलते हैं दोस्त वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा, नहीं हुआ है तो लिखते चलिए, और आपको कम से कम 2 से 3 क्लास बेसिक बात बताया जाएगा। अभी आपने क्या पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को जो दर्शाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इस सिंबल से, एरो या इस तरह या इस तरह। अब देखिए दोस्त, ज्यादातर आपको ये सिंबल मिलता है और इसी सिंबल से आपको दर्शाना भी है। जैसे कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर जो है इसको पढ़ेंगे कैसे, तो एज रीड एज वेक्टर ए रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ऑफ द वेक्टर लाइन लाइन सीगमेंट। अब देखिए दोस्तों, लाइन सीगमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन पे अगर मान लीजिए एक बिंदु ये ए है और दूसरा बिंदु बी है, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है। अब देखिए दोस्त, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग को आप इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और ये बी जो है आपका फाइनल पॉइंट है, और ये जो जा रहा है इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। इसको आप बोलते हैं टर्मिनल भी बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। अब देखिए दोस्त, ये ए से तो बी की तरफ गया। आप वेक्टर में अगर इसको लिखते हैं तो ए बी ये वेक्टर हुआ, इसको क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा कि एज रीड एज वेक्टर ए बी इन द डायरेक्शन डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए दोस्त, ए से लेके बी तक गया, ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द फाइनल पॉइंट। ए बी का इसको जो पढ़ेंगे, आई रीड एज वेक्टर ए बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम, इसका जो डायरेक्शन है वो ए से लेके बी तक है। अब मान लीजिए यही एक लाइन है, ये बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है और ये ए है। आपका अगर डायरेक्शन इधर से रहे, विपरीत डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए दोस्त क्या है, ए से बी से ए की तरफ ये आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़िएगा एज रीड एज वेक्टर बी ए इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। देखिए दोस्त,
इसको आप जब ए से बी डायरेक्शन था तो इसको क्या पढ़े, आई रीड एज वेक्टर ए बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। जब बी से डायरेक्शन ए की तरफ हो तो एज रीड एज वेक्टर बी ए इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ है। अब देखिए दोस्त, इसी में आप जैसे कि ए लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन में ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक पॉइंट फाइनल पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट, दो पॉइंट आता है। जैसे ये हुआ क्या आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इसको आप क्या बोले फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अब देखिए दोस्त, इसको दूसरे भाषा दूसरे अगर बोलिएगा, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं टर्मिनल भी बोलते हैं और इसको हेड भी बोलते हैं। अब देखिए, अब बात आता है कि मान लीजिए दो वेक्टर है, जैसे ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, इसका डायरेक्शन ए से बी तरफ और इसका डायरेक्शन बी से ए तरफ, तो यहाँ पे आप अगर क्लियर करते हैं तो वेक्टर ए बी ये जो है नॉट इक्वल टू बी ए होगा। अब देखिए दोस्त, मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी भी पॉइंट से पूरब की तरफ और कोई उसी पॉइंट से कोई पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? जब मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन इसका विपरीत है, लेकिन जब डायरेक्शन वो विपरीत हो गया तो वो कभी इक्वल नहीं हो सकता है। क्या दोनों आप एक पॉइंट पे आके मिल सकते हैं? आप जा रहे हैं पूरब एक और दूसरा जो है वो जा रहा है पश्चिम, तो क्या एक डायरेक्शन पे तो एक जगह तो पॉइंट पे मिल नहीं सकते हैं? तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। उसी में अगर ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसको इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल बोलते हैं, तो हेड टेल बोलते हैं और फाइनल पॉइंट को हेड बोलते हैं। अगर दो वेक्टर हो जाए, दो वेक्टर को एडजस्ट करना है, एडजस्ट मतलब जैसे मल्टीपल करना है, मल्टीपल तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, इसका एक टेल और दूसरा हेड, अगर हम एडजस्ट करेंगे किसी भी वेक्टर को, तो या तो उसका हेड एक पहला टेल होगा, दूसरा हेड हेड टेल होगा, या तो जो फाइनल जो होगा वो हेड हेड भी हो सकता है, टेल टेल भी हो सकता है। जैसे देखिए दोस्त, मान लीजिए ये एक लाइन, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, यहाँ से ये हुआ ए का इनिशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं टेल, ये हुआ ए का फाइनल पॉइंट। अब मान लीजिए इसी जगह से दूसरा कोई वेक्टर बी है, ये वेक्टर आपका ए हुआ और ये वेक्टर आपका बी हुआ, ये बी हुआ। अब देखिए दोस्त, इसका ये क्या है फाइनल पॉइंट, ये ए वेक्टर का ये फाइनल पॉइंट है और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम इस दोनों को मिला दें, इस दोनों को मिला दें, तो ये जो वेक्टर हो गया ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल और नो। आप पढ़े होंगे कि जब ये वेक्टर और दो वेक्टर है, इसका जो मेन होगा ये जो होगा आपका, ये हो जाता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो आपका क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या है, ये आपका क्या है इनिशियल पॉइंट टेल, और ये आपका क्या हो गया हेड हो गया फाइनल पॉइंट। अब देखिए दोस्त, ये बी का भी हेड है और ये ए प्लस बी का भी हेड है, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का भी हेड है, मतलब दो हेड एक जगह हो गया। अब देखिए दोस्त, जब दो हेड एक जगह हो जाए और एक जगह देखिए इधर देखिए तो आप इस पॉइंट पे दो आपका टेल एक जगह हो गया, जब ऐसा हो जाए इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ। अब देखिए, मान लीजिए इसको आप पीछे बढ़ाते हैं, अगर इसको पीछे लाइएगा तो ये क्या होगा माइनस बी होगा, क्योंकि ये ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो निगेटिव। अगर मान लीजिए ये अगर इसको रिजल्टेंट बनाते हैं तो ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर माइनस बी हुआ, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ए प्लस माइनस बी होगा, होगा दोस्त। तो इससे क्या हो गया ए माइनस वेक्टर बी,
तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया, ए माइनस बी। ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया, ए प्लस बी। देखिए दोस्त, अभी आप क्या पढ़े, जैसे ये लाइन था, ये एक वेक्टर था, एक वेक्टर ये था, ए वेक्टर का ये फाइनल पॉइंट था, ए वेक्टर का फाइनल पॉइंट, ये हुआ बी वेक्टर का फाइनल पॉइंट। अगर हम इसको और इसको मिला देते हैं, ये आपका हो जाता है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए दोस्त, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, और इसका डायरेक्शन ये है। अब देखिए, जैसे एक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे इस पॉइंट, इस वेक्टर का भी ये इनिशियल पॉइंट, इस वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट, और इस पॉइंट पे इस वेक्टर का भी फाइनल पॉइंट, और इस वेक्टर का भी फाइनल पॉइंट। अब देखिए दोस्त, ये हुआ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोलते किसको है, रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए दोस्त, रिजल्टेंट वेक्टर, मान लीजिए इफ ए वन वेक्टर है, ए टू वेक्टर है, ए थ्री वेक्टर है, डॉट डॉट ए एन वेक्टर है, ए एन तक वेक्टर है, कहता है इफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन वेक्टर वेक्टर देन देन सम ऑफ ऑल वेक्टर्स वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। कहता है इफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन वेक्टर, ये जो वेक्टर है ए एन तक वेक्टर है, जब हम सबको एड कर देते हैं, सम ऑफ द ऑल वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर से, इसी से इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए दोस्त, अगर ये मान लीजिए एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से सब वेक्टर है, ये हो गया, मान लीजिए ये ए वन वेक्टर है, ये ए टू वेक्टर है आपका, ए थ्री है, ए फोर है, ये डॉट डॉट ए एन तक है, ये है दोस्त। अब देखिए, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए ये रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए वन वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर प्लस ए थ्री वेक्टर प्लस डॉट डॉट ए एन वेक्टर, यही हुआ दोस्त रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए, ये हुआ रिजल्टेंट। अब जो है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इसका कुछ लेंथ होगा, इसका भी कुछ लेंथ होगा, या जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट हो गया, इस दोनों पॉइंट के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो अगर मान लीजिए लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा, दोनों एक ही है, तो इसको लिखिए लेंथ बता रहे हैं ये दोस्त, लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी, ए बी का लेंथ, या इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए टू बी, या तो लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी, ए बी बोल सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। तो अब देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए लेट ए बी द एनी वेक्टर ए बी है, कोई वेक्टर ए बी नहीं है। अब देखिए दोस्त, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये आपका ए बिंदु पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये हुआ ए से बी, ये हुआ दोस्त। तो देखिए दोस्त, ये जो ए और से बी जो है, ए से लेके बी तक, तो इसी को बोलते हैं द लेंथ ऑफ
ए बी इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। इसको जो डिनोट करते हैं दोस्त, द लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए बी। दैट इज, जैसे मान लीजिए ये था ए से बी, अगर कोई डायरेक्शन रहता है बी और ये हो गया ए, इसका डायरेक्शन ये है, तो ये कितना हो जाएगा बी टू ए। अब देखिए दोस्त, यहाँ जो होगा मॉड ऑफ ए बी, ये इक्वल हो जाएगा दोस्त मॉड ऑफ बी ए का, ये होगा आपका सेम। अब देखिए जैसे कि ये लेंथ ऑफ ए बी, ए बी वेक्टर है, इज डिनोटेड बाय इससे, या आप लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बी ये जो है डिस्टेंस बिटवीन ए बी, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पॉइंट ए एंड बी या ए टू बी। देखिए दोस्त, जब वेक्टर में अगर मॉड लग जाए तो उसका जो वैल्यू आएगा वो जो ए बी है वो हर हमेशा मॉड एरो वेक्टर का चिन्ह खत्म हो जाएगा। आप वेक्टर ये जो दर्शाते हैं एरो से, ये एरो खत्म हो जाता है और जितना भी आएगा, जैसे ये हुआ ये ए बी जो आया, ए बी इज द स्केलर। अगर अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो वो सिर्फ ए बी होगा, जब ये सिर्फ एरो हटा दीजिएगा तो वो जो आ जाता है वो स्केलर हो जाता है। तो देखिए दोस्त ये क्या हुआ, ए बी का डिस्टेंस, डिस्टेंस किसको बोलते हैं या लेंथ जो बोलते हैं वही, दोनों आप समझ लिए। अब देखिए इसमें आता है पोजीशन। अब पोजीशन क्या है, जैसे इसको लिखते जाइए गए होंगे। देखिए दोस्त जितना भी पढ़ते हैं आप टोटल को एक कॉपी में लिखते जाइए और समझते जाइए, कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त इसको लिख लिए होंगे। देखिए दोस्त अभी आप क्या पढ़े, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का ये जो आपका मैग्नीट्यूड निकलता है वो कितना होता है ए बी। अब देखिए इसमें क्या आया, मॉड आया, तो एक होता है आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, या इसको दूसरे भाषा में बोलिएगा तो मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड या मॉडुलस किसको बोलेंगे, देखिए दोस्त कहता है इफ अगर कोई वेक्टर ए है, इफ कोई वेक्टर अगर ए है तो बी द एनी वेक्टर, इफ ए वेक्टर ए बी द एनी वेक्टर देन मॉड ऑफ वेक्टर ए इज कॉल्ड मॉडुलस वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर या मॉडुलस वेक्टर भी बोल सकते हैं। यह हुआ, और इसका ये जो होगा इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये जो होगा स्केलर क्वांटिटी होगा, और मॉड ऑफ ए का वेक्टर ए का जो वैल्यू होगा ये हर हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अब देखिए दोस्त ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसको बोलेंगे, बोलता है इफ ए वेक्टर ए बी द एनी वेक्टर, कोई वेक्टर ए है देन मॉड ऑफ ए इज कॉल्ड मॉडुलस वेक्टर, देन इसको जो डिनोट ये जो होगा इसका जो वैल्यू होगा इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये जो मॉड ऑफ वेक्टर ए का ये जो वैल्यू होगा वो ए होगा, ये जो ए है वो स्केलर क्वांटिटी है,
क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं हुआ और ये इसका मान जो है हर हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ये हो गया दोस्त। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन, जैसे थ्री डायमेंशन थ्री डायमेंशन ऑफ द थ्री डायमेंशन ऑफ द वेक्टर प्लेन, वेक्टर प्लेन। अब देखिए दोस्त वेक्टर प्लेन आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं कि अगर हम किसी प्लेन, जैसे ये मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन पे अगर हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस और ये आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस। देखिए दोस्त ये दोनों एक्सिस है, इस दोनों एक्सिस के हिसाब से आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो एक्सिस बना है दोस्त ये कितना 90 डिग्री का एंगल पे कट किया है। देखिए आप एक्सिस भी पढ़े होंगे, एक्सिस कितना प्रकार का, तो एक्सिस भी आप जानते होंगे कि दो प्रकार का होता है, एक ऑब्लिक क्यू एक्सिस दूसरा रेक्टेंगुलर एक्सिस। ऑब्लिक क्यू एक्सिस किसको बोलते हैं, वैसा एक्सिस, वैसा दो एक्सिस जिसके दोनों को लाइन के बीच एक ये हुआ एक ये हुआ, जब दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री का कोण ना हो वो 90 या तो कम होगा या तो अधिक हो जाएगा, जब या तो कम होगा या अधिक हो जाएगा तो वो 90 डिग्री पे कट नहीं किया, जब वो 90 डिग्री पे कट ना करेगा तो उसको ऑब्लिक क्यू एक्सिस बोलेंगे और दूसरा रेक्टेंगुलर एक्सिस, वैसा एक्सिस जो कि दो लाइन को कट करने के बाद 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। हम सब जो पढ़ते हैं वो रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में ही पढ़ते हैं। देखिए दोस्त ये जो रेक्टेंगुलर एक्सिस है ये हर हमेशा 90 डिग्री का कोण पे कट करता है। जैसे देखिए इस एक क्वाड्रेंट में लीजिए तो 90, दूसरे क्वाड्रेंट में 90, तीसरे में भी 90, चौथे में भी 90, मतलब अगर पूरा लेंगे तो हमारा 360 डिग्री होता है। अब देखिए दोस्त जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, दो एक्सिस से मेरा चार क्वाड्रेंट का फॉर्मेट हुआ। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये थ्री डायमेंशन है, ये थ्री हो गया, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ, इसको बोल देते हैं आप एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं आप जेड एक्सिस। अब देखिए दोस्त ये तीन डायमेंशन है एक्स वाई जेड, इस तीनों से ये दो क्वाड एक्सिस से आपका कितना फोर क्वाड्रेंट का अधिक फॉर्मेट हुआ और इस तीन एक्सिस से एट का अधिक आता है, एट फेस का जो होता है ये फॉर्मेट देता है। जैसे देखिए दोस्त ये जो है ये एक्स एक्सिस, इसको आप वेक्टर में अगर दर्शाते हैं तो आई होता है, एक्स एक्सिस पे आई, वाई एक्सिस पे जे और जेड एक्सिस पे के होता है, ये होता है। अब देखिए जैसे इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, इधर ये साइड बढ़ाएंगे ये क्या हो जाएगा जेड डैश, इधर क्या है जेड, इसको अगर इधर बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा एक्स डैश और अगर इसको नीचे बढ़ाते हैं तो ये होगा वाई डैश। देखिए दोस्त ये जेड डैश एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब आप इसको नीचे बढ़ाएं तो वाई डैश एक्सिस ये ऊपर गया, ये तो ऊपर गया तो जेड डैश इधर आया तो एक्स डैश। अब देखिए इसी में जैसे मान लीजिए ये आपका कितना थ्री पॉइंट है, ये है थ्री एक्सिस, ये वाई एक्स और ये जेड, ये हो गया। अब देखिए दोस्त मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस लाइन पे कितना आई है, इस लाइन को वाई, वाई पे जे और जेड पे के है, मान लीजिए कोई पॉइंट है पी, पी पॉइंट है, ये पॉइंट पी तो ऐसे हवा में नहीं हो सकता है, इसके लिए कुछ ना कुछ सापेक्ष में होगा, तो ये तीन एक्सिस के सापेक्ष में हम ले रहे हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा दोस्त ये तीन एक्सिस के द्वारा बनेगा एक्स वाई जेड।
ये क्या बना, कोऑर्डिनेट बना एक्स वाई जेड, क्योंकि आप तीन एक्सिस लिए हैं इसके लिए तीन पॉइंट होगा। अब देखिए दोस्त, मान लेते हैं लेट, यहाँ ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन जो हो गया सबका ओरिजिन होता है, जैसे यहाँ भी ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन का वैल्यू जो होगा दोनों बिंदु एक पे कट करता है, इसलिए ओरिजिन का हर हमेशा जीरो जीरो होगा। अगर टू डायमेंशन का है तो वो भी जीरो, थ्री डायमेंशन का है तो वो भी जीरो। अब देखिए दोस्त, ये ओ है, मान लेते हैं लेट ओपी बराबर आर, ओपी बराबर क्या मान लिए, ये डिस्टेंस आर है। अगर हम इसको वेक्टर में लिखें तो ओपी इक्वल टू आर वेक्टर। अब देखिए इसको आप कैसे लिखेगा, एक्स एक्सिस के साथ क्या क्या लिखा था आई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के है, तो जब हम इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखें तो ये आप वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर हम इसको अदर वर्ड में लिखें, इन इन द अदर वर्ड, जब इसको अदर वर्ड में लिखते हैं, इसको जो हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर जितना भी लिखेंगे, ये ओपी वेक्टर है, ये वेक्टर आर का बराबर है, तो इसमें एक्स आई जे और के साथ जो भी कोफिशियंट है अगर उसको लिख देते हैं एक्स वाई जेड, तो यही मेरा ऑर्डर पेयर पेयर एलिमेंट कहलाता है। अब देखिए दोस्त, जैसे ये आप क्या समझिए कि अगर कोई बिंदु है, कोई भी पॉइंट है, अगर उसका ओरिजिन से लेते हैं तो उसको ओपी मान ली, माने आप ओपी, अगर उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो जो पॉइंट दिया रहे उसको क्या आई जे और के साथ लिखते हैं, तो ये जब लिख देते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाता है। जब इसको अदर वर्ड में हम सिर्फ एक्स और आई जे के को अगर हटा दें, इसका सिर्फ कोफिशिएंट लिखते हैं, उसको ऑर्डर पेयर एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 275, आपको बोला जाएगा इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए। ये देखिए दोस्त, टू किसका है, एक्स का है, तो टू आई एक्स के साथ आई, आई वेक्टर, ये सेवन क्या है वाई है, तो वाई के साथ कितना जे वेक्टर, और फाइव जो है ये आपका के है, तो जेड है, तो ये इसके साथ के। इसी तरह मान लीजिए दूसरा पॉइंट अगर दे दिया जाए वेक्टर फॉर्मेट में, टू आई प्लस सेवन जे, आपको तो पर क्या रहे थ्री डायमेंशन, तो इसमें दो ही दिया हुआ है, तो दो दिया हुआ है तो तीसरा आप जीरो इंटू के लिख सकते हैं। और जब इसको ऑर्डर पेयर में लिखेगा तो टू सेवन और जीरो, ये लिखा गया। अब मान लीजिए जैसे ये दिया था किसमें वेक्टर में, आप इसको लिख दें ऑर्डर पेयर में, अगर ऑर्डर पेयर में रहता है तो वेक्टर में लिख देते हैं, तो दोनों का जो वैल्यू है दोस्त वो सेम ही होता है। जैसे यहाँ भी x का मान दो ही है, यहाँ भी x का मान दो ही रहेगा, यहाँ y का मान सेवन है तो इस जगह भी सेवन ही रहेगा, z का मान जीरो है ये भी जीरो ही होगा। इससे मतलब ये हुआ कि x का जो मान होगा वो i के कोफिशिएंट का इक्वल होगा। अब देखिए दोस्त, अगर इसको लिख ले हो तो ठीक है, नहीं तो लिखते जाइए। आपका आगे आया क्या पोजिशन वेक्टर ऑफ द टू पॉइंट, पोजिशन वेक्टर ऑफ टू पॉइंट, टू पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए बी तो ऐसे नहीं रह सकता है स्पेस में, तो जैसे इसको कुछ ना कुछ सापेक्ष में होगा, तो मान लेते हैं ये ओ है, इसको ए से मिला देते हैं और इसको बी से मिला देते हैं। अब देखिए दोस्त, आप क्या माने लेट ए एंड ए एंड बी बी द एनी पॉइंट एंड ये ओ, क्या ओ माने ओ भी द ओरिजिन एंड
ओ बी द ओरिजिन, ये ओ क्या है आपका ओरिजिन है। अब देखिए इस दो वेक्टर है, इस दो पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं ए से बी तक अगर जोड़ते हैं तो देखिए दोस्त ये ओ से ए और ओ ए से बी, ये जब इधर से ये ओ से ए गया, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ए से बी गया, ये क्या हुआ वेक्टर बी हुआ। अब देखिए दोस्त ये ओ से क्या है बी है, आप अभी देखिए जैसे ये पॉइंट देखिए, ये एक वेक्टर था, ये वेक्टर ए था आपका, ये वेक्टर आपका बी था, और जब यहाँ से आप ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये आपका यहाँ से देखिए ये ओ हो गया, यहाँ से चला, फिर ए पॉइंट ये हो गया यहाँ से चला, और ये पॉइंट आपका बी हो गया। अब देखिए दोस्त जब ओ से ए तक चलते हैं, ओ से ए तक चलते हैं तो ये वेक्टर कितना ए है, ए से बी तक चलते हैं ये वेक्टर बी है, और ये दोनों वेक्टर का ये जो होता था आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता था ओपी, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। उसी आधार पे अगर हम यहाँ पे देखें दोस्त तो अब क्या हो गया आपका ओ ए वेक्टर प्लस दूसरा ए से बी ए बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका बड़ा इक्वल हो जाएगा ओ बी का होगा दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए आपको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो ए बी वेक्टर को रहने दिए, ये क्या प्लस में है, ये दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, ये हो गया आपका माइनस। अब देखिए अगर आप ए बी निकाले हैं तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ जो है आपका ओरिजिन है, किसी भी दो पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालिएगा किसी भी दो पॉइंट तो उसका जो लिखाएगा ओ जो रहेगा हर हमेशा छुपा हुआ रहेगा, ओरिजिन हर हमेशा छुपा हुआ रहेगा, और उसको जब आप निकालिएगा तो ओ बी माइनस ओ ए, ये एक तरह से आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लीजिए पी क्यू है, पी क्यू वेक्टर है जो लास्ट में रहता है, लास्ट वाला पहले हो जाता है ओ क्यू माइनस ओ पी, ये हो गया। जैसे मान लीजिए बी सी रहा, बी सी रहेगा तो ओ सी माइनस ओ बी, ये सब क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब देखिए दोस्त ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ, आप पहले क्या पढ़े फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह का स्केलर और वेक्टर, स्केलर किसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर किसको बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड हो साथ में डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता हो। उसके बाद रिजल्टेंट पढ़े, उसके बाद आप लेंथ ऑफ वेक्टर पढ़े, उसके बाद आप पोजीशन ऑफ वेक्टर पर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू पॉइंट। अब देखिए दोस्त इसमें अब आता है आपका टाइप ऑफ वेक्टर, तो इसको लिखते जाइए। देखिए दोस्त अब आता है आपका टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, आपका वेक्टर्स का कितना टाइप होता है, इसमें जो होता है दोस्त पहला होता है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर बोलेंगे किसको, जीरो कोई भी वेक्टर होगा अगर उसका मॉड ऑफ वेक्टर का मॉड जो है उसका जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर अगर ये जीरो के बराबर हो जाए तो इसी को बोलेंगे जीरो वेक्टर। तो इसका परिभाषा क्या होगा, इफ ए बी द एनी वेक्टर, वेक्टर देन वेक्टर ए इज सेड टू बी ए जीरो वेक्टर, वेक्टर इफ
mod of vector A is equal to 0. मतलब if A be the any vector, कोई भी vector है, then vector A is said to be 0 vector. वो 0 vector कब होगा? जब vector A का magnitude जो है वो 0 का equal होगा. तो देखिए दोस्त, ये इसी को बोलते हैं 0 vector. जैसे इसमें दो example आएगा. जैसे इसको जैसे मान लीजिए आखिर 0 होगा कब मैग्नीट्यूड. मान लीजिए जैसे ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 5k. ये तो आपका 0 वेक्टर होगा नहीं. इसको अगर मैग्नीट्यूड निकालिएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये तो 0 नहीं होगा. जब ये 0 नहीं होगा तो 0 होगा कब? देखिए दोस्त, कहता है कि जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है आपका बी. जब दो पॉइंट है, ये आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये आपका फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट. देखिए दोस्त, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है. अगर ये इसका मैग्नीट्यूड जो है ए बी का मैग्नीट्यूड, ये जो है ए बी हो जाएगा, क्योंकि जब मॉड लगता है तो वेक्टर का चिन्ह साइन खत्म हो जाता है. ये क्या हो गया? ए बी. ए बी क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है. ये आपका स्केलर क्वांटिटी है. जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो जब ये इसका मान मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मान अगर ये 0 का बराबर होगा तो ही ये 0 वेक्टर होगा, अन्यथा ये नहीं होगा. तब 0 कब होगा? जैसे देखिए, ये मान लिए दो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है. ये इधर से जा रहा है, इसका डायरेक्शन ए से किधर है? बी की साइड. अब देखिए दोस्त, इसका डायरेक्शन है ए से बी. एक और वेक्टर लेते हैं, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट. ये हो गया बी पॉइंट. इसका डायरेक्शन किधर है? बी से ए, और इसका है ए से बी. दोनों है दोस्त. अब देखिए, जब ये हो जाए और अब जब इसको इसके पैरेलल कीजिएगा, या जैसे मान लीजिए अगर दोनों एक ही पॉइंट, मान लीजिए जैसे ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट स्टार्ट हुआ इसी जगह और इसी जगह इसका फाइनल, इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है. इनिशियल पॉइंट इसी यही पॉइंट जो है ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, और इसी पॉइंट को, इसी पॉइंट पे अगर ये फाइनल पॉइंट हो जाता है, फाइनल पॉइंट, तो यही जो होगा, जो भी वेक्टर होगा ये, वही वेक्टर 0 वेक्टर कहलाएगा. जैसे देखिए, ये क्या हो गया? ये ए हो गया, ए हो गया, यही बी हो गया आपका. जब यही ए और यही बी हो गया, जैसे ये देखिए, जब ये भी इसका डायरेक्शन इधर से, इसका डायरेक्शन इधर से, एक जगह मिला, जिस जगह ये पॉइंट मिल गया वही हो गया आपका 0 वेक्टर. इसी को बोलते हैं मॉड ऑफ ए बी. ये जो होगा आपका 0 का इक्वल होगा, समझे दोस्त? यही आपका 0 का जो है इक्वल होगा. और एक बात नोट में, नोट में लिख लीजिए कि कहता है 0 इज ऑल्सो वेक्टर, 0 इज ऑल्सो वेक्टर बट नॉट डायरेक्शन. 0 जो है वो वेक्टर है ही, 0 वेक्टर. इसका जो है, इसको डायरेक्शन जो देते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई ए है वेक्टर, इस पे 0 का वेक्टर देंगे तो ये नहीं, ये 0 का ही बराबर होगा, क्योंकि 0 जो है ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड इसका 0 ही होगा. ये था आपका 0 वेक्टर. ये लिखिए, दूसरा बता रहे हैं. ठीक है दोस्त, दूसरा है आपका यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? तो कहता है इफ वेक्टर ए इज ए बी द एनी वेक्टर वेक्टर, देन वेक्टर ए इज सेड टू
सेड टू बी ए यूनिट वेक्टर इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वन। यूनिट वेक्टर, इसको इसका दूसरा नाम अगर हिंदी से बोलते हैं इकाई सदिश इसको बोलते हैं, कहता है इफ यदि वेक्टर ए कोई वेक्टर है, ये जो ए जो है मान लीजिए कोई वेक्टर है, देन ये ए का जो ये जो वेक्टर कब होगा यूनिट वेक्टर, जब उसका मान मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान वन होगा तो ये यूनिट वेक्टर होगा। तो देखिए दोस्त ये यूनिट वेक्टर होगा एंड इट इज also a vector, kata and it is also a vector, also a vector in direction a, ये हो गया दोस्त। अब देखिए जैसे ये तो वह यूनिट वेक्टर, अब इसको दर्शाते किससे हैं, जनरली इट इज डिनोटेड बाय ए का कैप, इसको जो पढ़ा जाता है दोस्त ए कैप, इसको जो पढ़ा जाता है एज रीड एज ए कैप, या आपको बुक में कभी कभी दिया रहेगा ए कैप पढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए मान लीजिए ए कैप निकालते कैसे हैं, जैसे अगर रहेगा डिफाइन या जैसे रहेगा एंड डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसका जो होता है फॉर्मूला दोस्त ए कैप का वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसी से इसको डिफाइन करते हैं। इसी वेक्टर ए का अगर मान लीजिए मॉड निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए दोस्त मान लीजिए इस पे अगर कोई सवाल दे दे और इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो a इंटू वन तो कितना हो गया a, इसको इधर गुणा कीजिएगा तो मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू a कैप, ये हो गया दोस्त। अब देखिए अगर इसमें रहेगा कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर आपका दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर निकालना है, इफ अगर दिया हुआ है थ्री आई फोर जे प्लस फाइव के, ये दिया हुआ है तब इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है दोस्त। तो यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप, तो आपको क्या मालूम है कि जो वेक्टर दिया रहता है उतना बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है फॉर्मूला सॉल्यूशन से। मान लेते हैं लेट ये जो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये दिया हुआ है, इसका आप मॉड अगर निकालते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जब इसका सबका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 प्लस 16 प्लस 25
इसको कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 15, इसको लिख सकते हैं 5√2। ये कितना हो गया मॉड पे, कितना निकल गया 5√2। अब देखिए दोस्त, आपको निकालना क्या है, ए कैप निकालना है। ए कैप का मतलब हो गया वेक्टर ए, ए कितना दिया हुआ है 3i + 4j + 5k। अब बाय मॉड ऑफ वेक्टर कितना निकला 5√2 होगा, क्योंकि 25 × 2 कीजिएगा तो वो कितना होता है 15 होता है, 25 का मान गुण 5 निकला तो रूट के अंदर 2 ही बचा है आपका। अब देखिए दोस्त, इससे आप डिवाइड दे दीजिए, अब जब सबको अलग कीजिएगा तो 3/5√2i + 4/5√2j + 5/5√2k फैक्टर के, इससे ये खत्म। जो कट रहा है काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। ये कितना हो गया 3/5√2i + 4/5√2j, ये हो गया +1/√2k। ये आपका क्या निकल गया ए कैप, यही आपका निकालने के लिए था दोस्त, ये आपका निकल गया। तो देखिए दोस्त, इसी तरह आपका जो निकलता है आप जितना भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जिस भी बुक से बना सकते हैं, इसी तरह यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। तो देखिए इसमें अगर कहीं दिक्कत हुआ है तो बोलिएगा, अगर कहीं दिक्कत नहीं हुआ है तो लिखते जाइए। अगर मान लीजिए इसी में इसको लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए दोस्त, जैसे रहेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर इफ यदि xi + yj + zk है, ये दिया हुआ है, तब बोल रहा है यूनिट वेक्टर को फाइंड कीजिए, तो कैसे होगा। तो देखिए दोस्त, सॉल्यूशन में फाइंड द यूनिट वेक्टर बोल रहा है, तो इसको मान लीजिए लेट, ये जो दिया हुआ है ये ए वेक्टर ए दिया हुआ है xi + yj + zk, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, हमको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मॉड ऑफ ए चाहिए। तो अगर हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट का अंडर x² + y² + z² होगा दोस्तों। अब देखिए ये हो गया, अब यूनिट वेक्टर, अब क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसी का निकालना है। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए कैप से। अब देखिए दोस्त, ऊपर में क्या आता है वेक्टर ए बार मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए ए आपका कितना दिया हुआ है xi + yj + zk बाय मॉड ऑफ कितना निकाले आप, ये निकाला आपका x² + y² + z² सबको अलग कर दीजिए, ये हो गया x√√x² + y² + z² × i + y√√x² + y² + z² ये हो गया आपका j, और +z/x² + y² + z² ये हो गया आपका k। तो यही था दोस्त, a का यूनिट वेक्टर आपको जो निकालना था यही आपका निकल के तैयार हो गया, समझे दोस्त। एक तरह से ये कहिए तो फॉर्मूला ही है, कहे कि x y z के जगह कुछ भी नंबर रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी रहेगा, तो वो अगर मान रख दीजिएगा तो आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और अभी जो एक दो क्लास चलेगा आपका बेसिक बात ही, कॉन्सेप्ट ही चलेगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।